नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के व्यापारियों के द्वारा कराए जा रहे वैक्सीनेशन शिविर में। लॉकडाउन खुलने का आज पहला दिन है। वैक्सीनेशन यहाँ पर लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 500 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन करा लिया। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से व्यापारियों ने आज वैक्सीनेशन कराया है, लॉकडाउन को लेकर जब ये व्यापार दोबारा खुलेगा तो इस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा होगा? सर्वप्रथम तो मैं नरेश जी को और उनके व्यापारी संघ को बहुत बहुत आभार दूंगा कि उन्होंने लॉकडाउन खुलते ही ये कदम उठाया है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोग ने लगातार बात कही है। लॉकडाउन में हमने जो एक नसीहत ली है वो ये थी कि हमें संयम बरतना है, डिसिप्लिन में रहना है। उसी डिसिप्लिन का परिचय देते हुए और कोरोना के खिलाफ एक अच्छा युद्ध संग्राम छेड़ते हुए जो व्यापारी संघ ने यहाँ पर ये कार्य करा है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि रीवा को एक बहुत अच्छे स्तर पे लाके खड़ा करेगा, जहाँ हमारी नेगेटिविटी बहुत अच्छी होगी। और कोरोना से लड़ने में ख़ास तौर से जो यहाँ पर युवा शक्ति आई है, मेरे खुद के संस्थान के लोगों ने लगभग 20 से 25 लोगों ने यहाँ पर जो बिलो 45 हैं उन्होंने आके वैक्सीनेशन कराया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। अब तो पॉजिटिव बात कहने में खतरा लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। और उसके अलावा लगभग 750 लोगों ने यहाँ अभी तक वैक्सीनेशन करवा लिया है। और सबसे अच्छी बात मेरे ख्याल से जो अभी नरेश जी से बात हो रही थी और उन्होंने बताई कि जो लोगों में एक थोड़ी झिझक होती थी कि कहाँ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे, वो यहाँ आने पे बिल्कुल समाप्त हो गई है। यहाँ आने में बिल्कुल समाप्त हो गई है। ख़ास तौर से वो युवा जो परेशान थे वैक्सीनेशन के लिए, उनको यहाँ पर वैक्सीन मिली है और इस शिविर में सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला दिन वैक्सीनेशन में जिस तरीके से यहाँ खासकर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ये अपने आप में काबिले गौर करने की बात है। हमारे साथ एक युवा थानेदार भी मौजूद हैं जिन्होंने सबसे घनी बस्ती में जिस तरीके से कोरोना का काम किया, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जगदीश सिंह ठाकुर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से लॉकडाउन के समय आपने लोगों को घर में रखने की कोशिश की, अब लॉकडाउन के बाद पब्लिक सड़क पर पब्लिक है, आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना है, सख्ती से कोरोना के संक्रमण को रोकने भी काम करना, किस तरीके से आपकी प्लानिंग होगी? चूँकि एक रीवा शहर काफ़ी सुनियोजित तरीके से लोग चीज़ों को मानते हैं, प्रशासन की चीज़ों को मानते हैं, तो उसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों को जो निर्देश हुए हैं उसमें हम लोग, चूँकि आप लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, आज जब ये लॉकडाउन खुला है तो लोग काफ़ी खुश भी हैं। इस तारतम्य में यह है कि पब्लिक को कष्ट भी ना हो और वो अपना सुचारू रूप से जो है लॉकडाउन का पालन भी करें। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि लोग जो है कोरोना के टाइम पे ये समझ चुके हैं कि उनको कोरोना अब नहीं होगा या लॉकडाउन पूरी तरह खुल चुका है, तो ये ना समझें, तब भी प्रॉपर तरीके से मास्क पहने, मास्क का हमेशा सदुपयोग करें और जो है एक टाइम के बाद जो है मास्क चेंज करें। कई लोग के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि पुलिस जो है नहीं हमको देख रही है और हम लोग मास्क को हटा देते हैं, तो गलत है, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इससे आप पुलिस से तो बच सकते हैं लेकिन कोरोना से आप नहीं बच पाएंगे। और जो पुलिस इस समय जो झेल रही है, समस्या सिर्फ एक चीज़ की है कि कई लोगों में अभी जो लॉकडाउन खुला है किसी लोगों को पता नहीं है कि कहाँ दुकान खुल पा रही है, नहीं खुल पा रही है। प्रशासन ने काफ़ी उसके लिए गाइडलाइन तैयार की है, तब भी लोग कन्फ्यूजन में है, उसके लिए व्यवस्था हर जगह पुलिस लगी हुई है, घर घर जाके या उनकी दुकानों में जाके बताते हैं कि आपको खोलना है, आपको नहीं खोलना है। जो भी सहयोग लगता है पुलिस को करना चाहिए, कर रही है, और अपील करती है सभी लोगों से कि मास्क पहने और जैसा ही प्रशासन गाइडलाइन देती है उसका पालन करें। मास्क पहने, सरकार ने जो भी गाइडलाइन के दिशा निर्देश जारी किए उसका पालन करें, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तभी बच पाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।